सब एवरीवन, वेलकम टू गेम जोन। मेरा नाम है एहसन। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं। सो आज हम कोई मैच नहीं खेलने वाले, इस जस्ट क्विक वीडियो के गेम की सेटिंग्स क्या क्या रख सकते हैं। बेसिकली दिस गेम इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन एनी प्रीवियस क्रिकेट गेम्स। मतलब कि बिग आंट्स के जो भी क्रिकेट गेम्स हैं वो बिल्कुल अलग है, जो EA स्पोर्ट्स और ब्रायन लारा वगैरह जो पहले गेम्स आते थे उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस गेम में बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हर प्लेयर को उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करने की ऑप्शंस हैं गेम में। तो जस्ट अ क्विक रन डाउन के सेटिंग्स हम क्या क्या रख सकते हैं ताकि इस गेम की मैक्सिमम पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर सकें। जस्ट क्विक स्टार्ट के स्कोर HUD, अगर आपकी मर्ज़ी है आप ऑन रखें या ऑफ रखें, आई वुड रिकमेंड कि आप टिक करके ऑन रखें। गेम के अंदर आप मैच के दौरान आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहें तो आई थिंक आप D-pad पे जो है वो अप या डाउन एरो प्रेस करते हैं तो वो फिर वो ऑफ़ हो जाता है। दैट्स जस्ट अप टू यू। रीप्लेस और रिकमेंड के ऑल रीप्लेस ऑन रखें ताकि अगर आपने कोई अच्छा शॉट खेला है या कोई अच्छी विकेट निकाली है या कोई क्लोज रन आउट, तो उसकी गेम आपको सारी रीप्ले दिखाएगा अच्छे सिनेमेटिक स्टाइल से। तो अगर आप किसी को भी सेव करना चाहते हैं तो आप इजीली सेव कर सकते हैं, कि अगर आप ऑल नहीं रखेंगे तो फिर गेम आपको रीप्ले नहीं दिखाएगा। एंड देन आपके पास ऑप्शन होती है, आपको खुद जाके आप रीप्ले देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो आप जैसे कि रीप्लेस को ऑन रखें। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि मैं UK में रहता हूँ तो यहाँ पे माइल्स पर आवर यूज़ होता है ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने इम्पीरियल रखा हुआ है। अगर आप UK से बाहर हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह या कहीं और, तो आप मेट्रिक रख सकते हैं, वहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर यूज़ होता है। स्कोर फॉर्मेट ऑप्शन है आपके पास। पूरी दुनिया में रन्स पहले लिखे होते हैं, विकेट्स बाद में। ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स पहले, रन्स बाद में, तो इसलिए मैंने वैसे ही रखा है जैसे UK में डिस्प्ले होता है। बॉल ट्रेल आई वुड रेकमेंड हाईली कि आप ऑन रखें ताकि जब आउटफील्ड में बॉल कहीं जाती है तो उसके अराउंड एक सर्कल नज़र आता है ताकि हमें पता चल जाता है कि बॉल कहाँ जा रही है। असिस्टेड फील्डिंग, अभी मैंने फुली असिस्टेड रखी हुई है। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हैं तो आप फील्ड को फुली असिस्टेड रख सकते हैं ताकि फिर आप देन यू डोंट हैव टू बॉदर के कैच पकड़ना या फील्ड वगैरह, वो फील्डर्स खुद ही पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सेमी असिस्टेड रखें, क्योंकि जब फुली असिस्टेड होती है तो फील्डर स्लो फील्डिंग करते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट दैट्स वॉट आई थिंक कि जब फुली असिस्टेड होती है फील्डिंग तो फील्डर थोड़ा सा स्लो फील्डिंग करते हैं। तो इसलिए मैं ऑनलाइन जब भी किसी से खेलता हूँ तो मैं हमेशा सेमी असिस्टेड रखता हूँ ताकि फिर फील्डर जो है जल्दी से थ्रो कर सके, और किस एंड पे थ्रो करना है वो उसकी भी आपके पास ऑप्शन होती है सेमी असिस्टेड में। फुली असिस्टेड में फील्डर खुद ही अपनी मर्जी से किसी भी एंड पे थ्रो कर देंगे, विकेट कीपर या बॉलर एंड पे। तो ऑफलाइन प्ले में मैं फुली असिस्टेड रख लेता हूँ। अगर आप न्यू कमर हैं और आपको कंट्रोल्स बहुत सारे इसमें अलग अलग हैं तो फील्डिंग आई थिंक शुरू शुरू में आप फील्डिंग पे सेक्रीफाइस कर सकते हो, फुली असिस्टेड रख लें। रनिंग HUD डेफिनेटली ऑन रखें ताकि जब बॉल आउटफील्ड में जाती है तो एक छोटी सी स्क्रीन साइड में बनी हुई आ जाती है, तो आपको पता लगता रहता है कि आपके बैट्समैन कैसी रनिंग कर रहे हैं, कोई बैट्समैन कहीं स्लो तो नहीं भाग रहा, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको एक्स्ट्रा रन लेना है या नहीं। फील्ड रेडार यस ऑलवेज ऑन, ताकि आपको नज़र आता रहे कि फील्डर कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप एक शॉट मारोगे तो उस शॉट के बाद जो है वो फील्डिंग चेंज हो जाती है, तो इसलिए फील्ड रेडार ऑलवेज ऑन रखें ताकि आपको पता रहे फील्डर्स कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। फिर बाकी की ऑप्शन जो है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे AI, ह्यूमन फील्ड सेलेक्ट्स वगैरह, ये वो हमें ऑफ रखने हैं क्योंकि हमें अपनी फील्ड्स खुद सेलेक्ट करनी है। हम नहीं चाहता कि AI हमारे लिए फील्ड्स चूज़ करें, तो इन दोनों को टिक नहीं करना है, जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है इन दोनों को टिक नहीं करना है। बाकी की ऑप्शंस आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द गेम, मतलब गेम खेलने के लिए कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर कंट्रोल्स पे आ जाते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस गेम का, के बैटिंग कंट्रोल्स मैंने क्या रखे हुए हैं। मैंने रखे हुए हैं प्रो क्लासिक, जिस तरीके से ये गेम डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये गेम डिज़ाइन हुआ हुआ है प्रो क्लासिक कंट्रोलर्स के लिए। और बिग आंट के मैंने सारे गेम्स खेलता हुआ आ रहा हूँ, सो डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 14 से लेके अभी तक क्रिकेट 22, सो प्रो क्लासिक कंट्रोल्स जो शुरू से रखे हुए हैं। अब नए गेम्स में उन्होंने आई थिंक लास्ट 2 या 3 गेम्स में उन्होंने आर्केड की ऑप्शन भी रखी हुई है, ताकि जो न्यू कमर्स हैं
जिन्होंने ये गेम पहले कभी नहीं खेला, और अगर वो ईए स्पोर्ट्स या फिर ब्रायन लारा क्रिकेट गेम वगैरह खेलते आ रहे हैं, तो वो आर्केड गेम से, आर्केड कंट्रोल से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है जैसे एक्स सर्कल या स्क्वायर बटन से शॉट वगैरह लगते हैं, जैसे कि पहले ईए स्पोर्ट्स वगैरह में होते थे। प्रो क्लासिक जो है उसमें यह है कि लेफ़्ट एनालॉग स्टिक जो है वो शॉट की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, राइट एनालॉग स्टिक जो है वो आपका फुटवर्क कंट्रोल करता है। सो इससे सीरियसली इससे बैटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देन आर्केड, पर वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप न्यू कमर हैं और आपको स्ट्रेट अवे गेम खेलना स्टार्ट करना है विदाउट प्रैक्टिस, तो फिर आप आर्केड रख लें। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी अपने इन्वेस्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आई वुड रेकमेंड कि आप प्रो क्लासिक से स्टार्ट करें, नेट्स में जाके या ग्राउंड ट्रेनिंग में जाके थोड़ी सी अपनी आप बैटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रो क्लासिक से आपको खेलने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यही मैंने कंट्रोल्स जो है वो बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग के, तो चलो बटन से ही होती है फील्डिंग, लेकिन बैटिंग और पेस बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग सब में मैंने प्रो क्लासिक रखे हुए हैं। तो फिर हम आ जाते हैं कैमरास पे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी इस गेम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने बॉलिंग फील्डिंग और बैटिंग और रनिंग के क्या क्या कैमरास रखे हुए हैं। तो बॉलिंग में मैंने रखा हुआ है ब्रॉडकास्ट कैमरा 1, इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। बॉलिंग में मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि मैं ब्रॉडकास्ट 1 कैमरा यूज़ करता हूँ, सो ये उसकी एग्जांपल है। ये ब्रॉडकास्ट कैमरा 1 है, तो मैं एक बॉल करा के दिखा देता हूँ कि मैं ये क्यों सेलेक्ट करता हूँ। जैसे जैसे बॉलर भागता हुआ जा रहा है, तो वो पिच जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। सो ये थोड़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग देती है जैसे कि आप रियल लाइफ में मैच देखते हैं, तो जैसे बॉलर भागता हुआ आ रहा होता है, तो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो पिच को सेंटर में कर देते हैं। तो इसलिए आई जस्ट फील मोर कंफर्टेबल इस कैमरे के साथ। अगर आपको बॉलिंग फार कैमरा यूज़ करना है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे गेम में ऐसे खेलना अच्छा लगता है। और फील्डिंग में भी मैंने रखे हुए हैं ब्रॉडकास्ट कैमरा 1, और फील्डिंग में भी यही होता है जैसे कि बॉल आउटफील्ड में जाती है, तो आपको बॉल भी नज़र आती रहती है कि फील्डर भी कहाँ है और बॉल कहाँ है, और आपको एक छोटी सी स्क्रीन पर रनिंग में बैट्समैन भी नज़र आते रहते हैं। तो ब्रॉडकास्ट कैमरा 1 आई थिंक इज़ द बेस्ट। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बैटिंग। बैटिंग में मैंने बैटिंग फार कैमरा यूज़ करा है, इसकी मैं आप ही आपको एग्जांपल शो करा देता हूँ। और बैटिंग में मैं जैसे आप लोग को बोल रहा था कि मैं बैट फार कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, तो ये उसकी एग्जांपल है कि बैट फार कैमरा कैसा दिखता है। तो इसमें बस जो कैमरा है वो बैट्समैन के स्टम्प्स के पीछे से प्लेस पोजीशन होती है कैमरे की, तो इससे थोड़ी सी लाइन और लेंथ जो है वो इजीली पिक हो जाती है, और अगेन थोड़ी सी वो फीलिंग आती है कि आप एज अ बैट्समैन बॉल को डायरेक्टली फेस कर रहे हो। तो ये जो गेम है ये स्पेशली डिज़ाइन करा गया है इस तरीके से खेलने के लिए, तो इसलिए आई थिंक इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज एंजॉयमेंट, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये कैमरे को सेलेक्ट करें। तो आई एम श्योर कि जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव होती जाएगी, आपको इस कैमरे से खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज हमने क्विकली बस सेटिंग्स की रन डाउन करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे कि बैटिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और कुछ क्विक टिप्स या आपकी बैटिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो उन चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।